इस घोड़े की हाइट देखिए, देखा आपने? आप भी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या घोड़ा है, बकरी है, गधा है, क्या है, लेकिन ये असली में घोड़ा ही है भाई। और घोड़े के मालिक जो है यहाँ बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इस घोड़े की खासियत क्या है। नमस्कार दादा, सत श्री अकाल, एक्सप्लोर वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूँ सम्राट उपाध्याय, मौजूद हूँ सोनपुर मेला में। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है, ये सभी जानते हैं, और इस मेले में कुछ ना कुछ खास आपको देखने को मिलता है। इस मेले की जो पहचान बना रहा है, आज यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का घोड़ा है, और ये तो ना कोई महाराणा प्रताप का है और ना किसी राजा का, ये एक ऐसे इंसान का है जो अपने आप में काबिले तारीफ है। थोड़ा पीछे जाकर घोड़े की पहले मैं दिखाना चाहता हूँ हाइट। आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं कहाँ से क्या दिखा रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअल देखिए, इस घोड़े की हाइट देखिए, देखा आपने? आप भी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या घोड़ा है, बकरी है, गधा है, क्या है, लेकिन ये असली में घोड़ा ही है भाई। और घोड़े के मालिक जो है यहाँ बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि इस घोड़े की खासियत क्या है, क्यों पूरा जो घोड़ा का जो मार्केट है वो छोड़कर आप ही बाजार लगाकर बैठे हुए हैं, सब लोग आप ही को घेरे हुए हैं, आखिर क्या वजह है? स्वागत है आपका एक्सप्लोर वर्ल्ड। बहुत बड़ा धन्यवाद है भैया। आपको कहाँ से आया है? पटना से आया है। बहुत खुशी का बात है। ये बताइए, ये अच्छा, ये घोड़ा कितने साल का है? 3.5 साल का। 3.5 साल का है घोड़ा ही है ना ये? हाँ घोड़ा है, घोड़ा। अच्छा, ये किस नस्ल का घोड़ा है? इसका हाइट बढ़ा नहीं है कि कितना हाइट है इसका? भाई साहब, जैसे मनुष्य में बौना होता है ना सबसे छोटा, वैसे ये हाइट में छोटा घोड़ा हो गया। अच्छा, तो बौना घोड़ा, इसे नस्ल बौना कहा जाता है। अच्छा, ये बौना नस्ल का घोड़ा है। तो ये किस लिए पर्पस से लाए हैं? सेलिंग के पर्पस से, शोकेस के दिखाने के लिए, या फिर प्रदर्शनी के लिए? किस लिए लाए हैं? प्रदर्शनी के लिए। प्रदर्शनी के लिए लाए हैं। बहुत सारे लोग सवाल भी करते हुए कि भैया बेच दीजिए घोड़ा। बहुत बोलते हैं, अभी भी एक तो दो ग्राहक खड़े होगा, कोई ना कोई भाई खड़े हो जाएगा तुरंत लेने वाला, लेकिन बेचना है ये नहीं है। बेचना है नहीं। जब घोड़े की कीमत क्या लग रही है? अगर देखिए भाई साहब, हमको बेचना है ये नहीं है, तो कीमत लगने की बात क्या कर रहे हैं आप? बेचना ही नहीं है। बेचना ही नहीं है। अच्छा। इतना दर्शक खड़ा हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये करोड़ों का संपत्ति हमको मिल गया। दादाजी, कितना कीमत हुई? लीजिए, पूछिए, आप बताइए। आप बताइए, हम मालिक हैं, आप लेकर बैठे हुए घोड़ा हमसे पूछ रहे हैं। अंदाज? हाँ, अंदाज इसका कीमत वही होगा, तो 2,500-3,000 बहुत हो गए। कुछ देर पहले सुनने में आ रहा है कि कितना था चेन और कितना 20 लाख रुपया मार्केट में। वो तो सुन रहे थे ना, इस घोड़ा का दाम 3,500-2,000 ही बहुत हो गया। बहुत हो गया। हाँ। अच्छा, ये घोड़ा से जो सब घोड़ा लोग खाता है वही खाता है? हाँ। क्या 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 खिलाते हैं? चोकर भूसा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, और इस घोड़े का जो इस्तेमाल जो है आप किस काम में करते हैं? यही ढेर लगाना मेरा काम है। अच्छा, भीड़ लगाते हैं? हाँ। जब ये घोड़ा चलता है ना, हाँ, तबा करोटी तबई जल जाता है, मेहरारू पहले घोड़ा को देखता है। तो काहे तवा का रोटी जलवा देते हैं किसी का, काहे जलवा देते हैं? अरे उसमें हमको खुशी ना मिलता है। अच्छा, इतना जो हमारा छोटा भाई बड़े भाई हंस रहा है तो हम गदगद हो रहे हैं। फुल फुल गदगद हो रहे हैं। यहाँ कोई टैक्स नहीं लग रहा है। कोनो हम टैक्स तसले के लिए नहीं बैठे हैं। अच्छा, वैसे आप काम क्या करते हैं? प्रोफेशनली घोड़ा ही पालते हैं, जानवर पालते हैं, कि और कुछ करते हैं? कहाँ से हैं, क्या नाम है, थोड़ा अपने बारे में बताइए, काफी रोचक इंसान लगे आप। ग्राम पोस्ट कबैला, थाना सौर बाजार, जिला सहरसा। मेरा भट्टन भगत नाम है। मेरा मोबाइल नंबर 99-73-145-158 है। तो आप पैसे से घोड़ा ही जानवर ही पालते हैं, है ना? और ये जानो, इसके अलावा भी कुछ घोड़ा वगैरह रखे हुए हैं क्या? बार मत करना नंबर लेके। लोड कर पहले सो जाए, लोड कर पहले सो जाए। अरे गाड़ी थोड़े बाकी लोड कर। अंदाज है वो 25 किलो तक का सह सकता है। 37 किलो उठा ली कुछ का। उम्र वजन 37 किलो 22 है। हाँ तो बात तो तू अपना लल साहब मेटा भी लो। देख लो ये। अरे यार, तू बैठ के तुम अपना लालसा मिटा लो आज।
मर्द है। कैमरामैन नीचे खींचे, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अरे कैमरा नीचे कर रहे हैं बोलने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब घोड़ा पे बैठने का इच्छा था जी, इसीलिए उल्टा पुल्टा सवाल कर रहे थे। सुनिए भैया, मेरा घर बगल में ही है, हम 10 बार आ चुके हैं लेकिन चाचा हमारे बात का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। आज रिप्लाई दिए, हम बैठ के जन्म गधा मिटा लिए, समझिए। तो सुनिए, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन्म गधा मेरे वीडियो से मिटा है आपका, ठीक है ना? आप ही का उतर जाइए, मरिए जाएगा आपको। बाकी लोग जो घोड़ा का जो मार्केट है वो तो आपसे काफी ये होगा कि कंपटीशन आप बढ़ा दिए हैं, कोई उधर देखने नहीं जा रहा है। वो तो थोड़ा बहुत होता है, है? तो होता है ना, तो जलन होता है, जलन होता है। उसके लिए क्या कीजिएगा? अच्छा एक और बात बताइए कि इस घोड़ा को बोल रहे थे कि आप कहीं शादी ब्याह में भी लेकर जाते हैं, उसका क्या सीन है? इसका सीन जो है सो हमारे पास रथ है, दो सफेद घोड़ी लगता है। अब जो शादी विवाह में बुलाता है कि घोड़ा भी लेके आइएगा तो लेके जाते हैं। तो ये घोड़ा पे क्या दूल्हा जाता है या फिर ये अकेले खाली घोड़ा जाता है? ये अकेले रथ पे बैठता है, ये अकेले इसको घोड़ी रूप खींचता है। हाँ अरे सला, तो गजब स्वैग है, मतलब समझ रहे ना, ये दूल्हा के साथ में अलग ही जाता है, ये शिव मंडली का लग रहा है घोड़ा ये। इसके लिए वहाँ गलाचा गलीचा बना के रखे है अलग। हाँ, तो उसका क्या चार्ज उठ है ताकि कोई आपको बुलाना चाहे अगर तो आप संपर्क? वो हमारे जिला जवार में हो जाता है, अपने घर का जो जैसा आदमी होता है वैसा हो जाता है। मान लीजिए कि हम आपको पटना में बुला रहे हैं किसी समारोह में, तो क्या करना पड़ेगा हमको? आपको भैया 30-35 हजार का पड़ जाएगा। 30-35 हजार का पड़ जाएगा, देख रहे ना आप लोग, नंबर भी भैया का तो आप वीडियो में मिल ही जाएगा। सोनपुर मेला के बारे में कुछ बताइए खास बात। लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, पिछड़ा है, ये है, जातिवाद है। सोनपुर मेला कैसा मेला लगता है और कितना पुराना है, इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए। पुराना तो भाई साहब कब से ये मेला लगता है तो आपको नहीं हम बता सकेंगे। हाँ, लेकिन पहले का मेला कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। क्या है? अब हो गया है, महंगाई बढ़ गया है, हर चीज पे मन के चलिए महंगाई है। कोई यहाँ सोनपुर मेला का जमीने है तो पहले का भाव अब की भाव कुछ ज्यादा महंगा हो गया है, इसीलिए घोड़ा बाजार भी मान के चलिए अब डाउन हो गया है। डाउन हो गया है। हाँ अच्छा, तो आपको उस महंगाई से क्या लेना देना, ना पैसा इसको बेचना है ना इससे कुछ आमदनी है, आप तो प्रदर्शनी के लिए आए हैं क्या? नहीं, हम भी घोड़ा व्यापारी है भाई। आपका कहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो एक ही घोड़ा लेके आए हैं? नहीं भाई, अभी मेरे पास 15-20 घोड़ा खड़ा है। तो कहाँ है वो? वो सब उधर है, देखिए। ओ मतलब पूरा मार्केट है। हार क्या, सही है। चलिए, आपको इतनी जानकारी मिली घोड़े के बारे में। अच्छा भैया एक बताइए, घोड़ा की नमूना? हाँ, कैसा था? घोड़ा बेचते हैं लेकिन उसमें नमूना चीज रखे हैं। अच्छा, घोड़ा बेचते हैं, एक नमूना शोकेस है। जी शोकेस है, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप घोड़ा मार्केट में आएंगे तो आपको दिखेगा कि घोड़े का जो बाजार है उसमें है सबसे अलग घोड़ा कौन सा है और उस घोड़े की खासियत क्या है। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और जानवरों के प्रति अगर आप लगाव रखते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई वीडियो नहीं है। भैया आपको इस मेले में सबसे बेहतरीन घोड़ा क्या लगा? सबतरीन तो देख ही रहे हैं सब कोई, एक ही, इसके अलावा कोई घोड़ा नहीं? इसके अलावा कोई मार्केट में घोड़े नहीं है इससे छोट घोड़ा। छोट घोड़ा, सब बड़ा बड़ा है। सही बात कह रहे हैं क्या? छोटा है ये, छोटा है, पसंद है? पसंद है, लाइकन के चढ़े वाला खूब जोर घोड़ा है। लाइकन के चढ़े वाला खिलौना थोड़ी है इस पर। खिलौना है, आपको खिलौना है, बच्चा उच्चा चढ़ के घूमता फिरता है। गांव में तो चढ़ के घूमे ना करेगा बच्चा उच्चा। सोनपुर मेला कैसा लगता है? सोनपुर मेला बहुत अच्छा मेला है, अच्छा मेला है, बहुत पुराना, लोग मैंने पूर्वजों से लोग इसका विषय में चर्चा करते हैं। हम तो खैर आज 2 बार मात्र यहाँ आए हैं। कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा लगा। जी जी, यहाँ चाचा कितना घोड़ा आया होगा इस मार्केट में, अंदाजा है सोनपुर मेला में? भैया सोनपुर मेला का कौन अंदाज करेगा कितना? नहीं नहीं नहीं, घोड़ा मार्केट की बात कर रहे हैं, कितना होगा? अरे घोड़ा मार्केट यही थोड़ी है, उधर चले जाइए ना 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर। अरे अरे, ये देखिए
आप कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे कमीर, इतना जोर से भी काटता हमको। नहीं 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 मारिए नहीं, मारिए नहीं, मारिए नहीं, नहीं नहीं मारिए नहीं, मारिए नहीं, रुक जाइए, नहीं नहीं देखिए देखिए बेटा बदमाश हो जाएगा, पिटाई नहीं करेगा तो सुधरेगा। नहीं नहीं अरे दांत काट ले तोड़ दे साले। नहीं 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 अब वो नहीं काटेगा, जानवरों से प्रति लगाव रखना चाहिए। जानवर है तो जानवर को अगर बदमाशी करे तो उसको पिटाई कीजिए, बेटा है तो उसको बांध के मारिए, चार पुल्हड़ में ठाम पे आ जाएगा। अब वो नहीं काटेगा, पहले पकड़िए, आपको नहीं काटेगा, वो समझ गया कि अब पिटाई लग जाएगा। ऐसा जानवर को बुद्धि नहीं आता, ऐसा हरकत काहे कर दी। चलिए वीडियो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये बहुत ही प्यारा घोड़ा है और ऐसे मेला की शान शौकत को बढ़ा रहा है। सोनपुर मेला का इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर आप चाहते हैं कि जानवरों को देखना, यहाँ पर एक वाइब को फील करना, तो आपके लिए एक बेहतरीन जो है मार्केट है, घोड़ों का मार्केट। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाकी ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये किसी और चीज़ के लिए नहीं थी, ये एक छोटे से घोड़े को देखने के लिए थी।